वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिटिक थ्योरी को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है और आज ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में समझते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने कौन कौन से 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज को डिफाइन किया है। फ्रायड का मानना था कि व्यक्ति का जो भी यूनिक करेक्टर होता है वो चाइल्डहुड में तभी डेवलप हो जाता है जब वो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से इंटरेक्शन करता है। और आप जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत समय पर इड हावी रहता है और इसलिए बच्चा हर तरह की डिमांड को पूरा करना चाहता है, हर कार्य को पूरा करना चाहता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इसलिए वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसकी वजह से बच्चे में कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी बहुत सारे अनुभवों को बच्चा समझता है, प्राप्त करता है। और अब समझते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेज की फर्स्ट स्टेज में क्या डिफाइन किया गया है। देखिए, जो पहली स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज, यानी मुखावस्था, जिसका ड्यूरेशन जन्म से लेके 1 वर्ष तक होता है। इस टाइम पे जो प्राइमरी इरोजिनियस स्टेट होता है वो होता है माउथ, यानी मुंह का मुक्ता क्षेत्र होता है, और बच्चा अपने मुंह में किसी भी चीज़ को डालकर आनंद अनुभव करता है, यानी बाय सकिंग और बाय स्वेलोविंग। इसलिए आपने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपने मुंह में रख लेना चाहते हैं, कोई खिलौना हो या अपना अंगूठा हो या कोई भी चीज़ हो, वो सीधा अपने मुंह में रखना चाहते हैं क्योंकि उससे बच्चों को आनंद मिलता है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ओरल स्टेज होती है दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शुरुआत में केयर कौन करता है, उसकी माँ करती है या फिर कोई केयर गिवर जो भी हो वो उसका देखभाल करता है, करती है। ओके, वैसे मोस्टली मदर ही होती है जो बच्चे की सबसे ज़्यादा केयर करती है इनिशियल टाइम पे। अब देखिए, आप जानते हैं कि शुरुआत में जब एड होता है तो एड में क्या होता है, लिबिडो की भरमार होती है, और लिबिडो क्या होता है मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल डिजायर्स को ही लिबिडो कहते हैं। अब शुरुआत में जब बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ के पास रहता है, माँ के साथ समय बिताता है, तो उस टाइम पे बच्चे के लिबिडो के लिए उसकी माँ उसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए बच्चा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब देखिए, अब बच्चा क्या सीखेगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मदर पे डिपेंड करता है। अगर उसकी माँ बच्चे को अच्छे से ट्रीट करती है तो बच्चे में हैप्पीनेस रहती है, और अगर उसकी माँ बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन रहता है ना। तो यानी शुरुआत के टाइम पर ही बच्चे में आने लगता है कि वह लाइफ में हैप्पी रहेगा या बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ये शुरुआत के समय पर ही डेवलप होने लगता है। इसलिए पहली स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर माँ सच में बच्चे की अच्छे से केयर करेगी, बच्चे को अच्छे से समझेगी, तो बच्चा 100% अपने आप को अच्छे से डेवलप करता है, क्योंकि अच्छे से रहता है, खुश रहता है और अच्छे से फ्यूचर में डेवलप होता है। और अगर माँ अच्छे से केयर नहीं करती है तो बच्चे में बहुत सारे संघर्ष शुरुआत से ही पैदा हो जाते हैं। और अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 यानी एनल स्टेज, गुदावस्था के बारे में। इसका जो ड्यूरेशन होता है वह 1 साल से लेके 3 साल तक होता है, और इसमें जो कामुकता क्षेत्र होता है, अब कामुकता क्षेत्र माउथ से कहाँ पे एनल पर आ जाता है, यानी गुदा क्षेत्र में आ जाता है। और इसीलिए आपने देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो डेफिकेशन करते हैं तो कई बार वो किए रहते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं, और कई बार सुसु करते हैं तो फिर अपने हाथ से और गंदा करते हैं, आसपास फैलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इन सब को करने से प्लेजर, आनंद प्राप्त होता है। और देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब बच्चा सुसु करना चाहता है या फिर डेफिकेशन करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं
और सिखाते हैं कि कब करना है, यानी टाइम की बात करते हैं और प्लेस की बात करते हैं। लेकिन बच्चा तो छोटा होता है, उसे नहीं मतलब होता है कि टाइम क्या है और प्लेस क्या है, उसे वो तो करना चाहता है। तो जब पेरेंट बच्चे को रोकते हैं तो बच्चे में संघर्ष उत्पन्न होता है, उसे लगता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है ना। तो यानी यहाँ पर भी अगर अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को नहीं सिखाई गई तो बच्चे में कई तरह के संघर्ष उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज फैलिक, यानी लिंग प्रधानावस्था। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 4 to 5, यानी 4 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक होता है। और इसमें जो कामुकता क्षेत्र यानी इरोजीनियस जोन होता है वो कहाँ पर आ जाता है, जेनिटल्स पर, यानी जो जननेन्द्रियाँ होती हैं वहाँ पर आ जाता है। और यही वो स्टेज होती है जहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं। आप दोनों टर्म को अच्छे से याद रखिएगा, कौन सा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं पूरा डिफाइन नहीं करूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर इसके बारे में आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं, उस लिंक पर जाएं और क्लिक करें, क्योंकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले पूरा एक अच्छा सा वीडियो अपलोड किया था। तो आप देख सकते हैं कि क्या है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और क्या है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, फोर्थ लेटेंसी स्टेज, यानी अव्यक्तावस्था। तो इसका ड्यूरेशन 5 वर्ष से लेके प्यूबर्टी तक चलता रहता है। और इसमें क्या होता है, सबलिमेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, यानी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती हैं, वो सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं, यानी बच्चा उसमें इंटरेस्टेड अब नहीं रहता है। इसकी भी वजह होती है क्योंकि इस टाइम पर बच्चा कई तरह की अदर एक्टिविटीज़, जैसे जो एजुकेशन है या प्लेइंग है, बच्चों साथ में खेलना है, उसमें थोड़ा शामिल हो जाता है, इसलिए इस टाइम पर बच्चे में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सुसुप्त हो जाते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा बाहर अपने एनवायरनमेंट में अपने फ्रेंड के साथ और अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता है और थोड़ा सा ये शांत रहता है। इसके बाद लास्ट स्टेज है फिफ्थ, यानी जेनिटल स्टेज, जननेन्द्रियावस्था। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि एडोलसेंस से एडल्टहुड, यानी इतने टाइम से शुरू होती है और बहुत टाइम तक चलती रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें अब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर डेवलपमेंट हो जाते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है और अब वो अपनी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। और साथ ही साथ अब इस स्टेज में बच्चा हेट्रोसेक्सुअलिटी की ओर जाने लगता है, यानी जो उसके अपोजिट सेक्स होते हैं उनके प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं और इसी के साथ साथ अपने जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव शामिल होने लगते हैं और अपने आप को अच्छे से सेटअप करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज जो भी फाइव सेक्सुअल सॉरी जो फाइव साइको सेक्सुअल स्टेज थी उसके बारे में डिफाइन कर दिया है, आई होप आप इसको समझेंगे। और यहाँ पर जो तीसरी अवस्था थी फैलिक लिंग प्रधानावस्था, इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिफाइन नहीं किया है, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसमें जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।